सिर्फ 8 दिन पहला स्टूडेंट वीजे ते माल्टा गए पंजाबी नौजवान की मौत हो गई। दस दिए कि नौजवान की बचपन च पिता की मौत हो गई सी, जिस तों बाद माँ ने करियाने की दुकान चला के पुत नूं पालिया ते फिर परिवार ने बड़े चावां खुशियां ते सुपनियां नाल अपने नौजवान पुत नूं विदेश स्टडी वीजे ते भेजा। पर हुण मौत की खबर सुन परिवार का रो रो बुरा हाल है। मृतक नौजवान की पछाण 22 साल निखिल शर्मा वजो हुई है। निखिल शर्मा अमृतसर रणजीत एवन्यू स्थित हाउसिंग बोर्ड कलोनी का रहने वाला सी। निखिल की माँ सुमन शर्मा ने बैंक तो 16 लाख रुपए का कर्जा चुके अपने पुत्र 18 अक्टूबर स्टडी वीजे से माल्टा भेजा। मृतक की माँ ने दसाया कि 25 अक्टूबर की दोपहर निखिल ने वीडियो कॉल करते हुए अचानक कॉल कर दी ते कहा कि वह 5 मिनटा बाद गल करता है, पर उस तो बाद रात तक उसकी कोई कॉल नहीं आई। वह डीकती रही ते फिर जो उसने वट्सएप पर कॉल की तो निखिल वालों कोई जवाब नहीं आया। इस तो थोड़ी देर बाद ही माल्टा च रहन वाले निखिल के दोस्तों ने मृतक की माँ को फोन करके दसाया कि निखिल की अचानक ब्रेन अटैक होने मौत हो गई है। दसया जा रहा है कि निखिल के परिवार च उसकी विधवा माँ तो इलावा 2 भरा ते 1 भैण है। परिवारक मैंबर तो अपने पुत की मृतक देह भारत लिया भी पैसे नहीं ने। पीड़ित परिवारक मैंबर ने संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला, भाजपा संसद मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ते हलका विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह नाल संपर्क करके निखिल की मृतक देह नूं पंजाब वापस लियाने कहा ता जो उसकी मृतक देह नूं इत्थे लिया के रीति रिवाजा अनुसार अंतिम संस्कार किया जा सके। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।